गाइस बड़ों को नमस्ते एंड पहला छोटों को बहुत सारा प्यार। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये भाभी मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, देखो डांस कर रही है यहाँ पे खड़ी होके ताकि ये बोल ना पाए। अभी टाइम हो गया है शाम के 5:49 हो चुका है शाम के। तो अब जाके हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि व्लॉग स्टार्ट करना ही टारगेट है। 365 व्लॉग्स। ये भाभी देखो मेरी एक्टिंग उतारी, यहाँ पे सारी एक्टिंग करने में लगी हुई है। तो कितनी सीधी सी हूँ देखो। हाँ बहुत एक्टिंग उतार सकती हूँ। हाँ मेरे को पता नहीं कितना गड़बड़ हो गया मेरा सारा व्लॉग शुरू करने में। बोलो बच्चे अभी एप्पल खा रहे हैं बड़ी मम्मी के साथ। ओ हम चाय बनाते हैं अब। मैंने कहा मैं चाय स्टार्ट करती हूँ तो भाभी आ गई यहाँ पे। देखो मैंने कैसे कर दिया। हाँ देखा भाभी हेल्प करती रहती है और ना मैं ब्लॉग ही बनाती रहती हूँ। अभी चाय बनती है फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। ओके आज जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। बच्चे हमारे देखो क्या कर रहे हैं। वो स्कूटी चलाएगी और दीवी उस पर बैठेगी पीछे से, है ना। तुम दोनों बाहर नहीं जाओगे। दीवी तुम बाहर जाओगी। साइकिल कहाँ गिर जाओगी। नहीं गिरती। देखो आजाद हो गए गाइस। तो गाइस देखो हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए। कौन कौन। मैं देवरानी और ये देखिए हमारी जिठानी। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी सासू माँ हमें काम दे के गई है। ये देखो ये चुलाई चुलाई छाटने का काम दे के गई। कोई हम छाट रहे तो कैसे नमकीन खा रहे हैं। ये देखो दोनों क्या खा रहे हो। ये मैगी है, देखो मैगी है ये नमकीन है ये। तो यही है अभी के हाल समाचार जो है, आगे मिलते हैं आपको। ये है मिस्टर नेगी जी और बगल में बैठी भतीजी। और कुछ पार्सल आ रखा है आज जो कि इन्होंने पहले ही खोल दिया है। और ये पार्सल किसका है, हैं दीशी। इसमें देखो एक पार्सल आया था जो दीवी के हाथ में है। और दीवी क्या पार्सल आया बेटा। ये क्रीम है सेबामेड का, सेबामेड प्रोटेक्टिव फेशियल क्रीम। इस क्रीम पे हो रही है लड़ाई लेकिन दीवी ने उस पर हक जमा रखा है बिल्कुल। और दीशी बेचारी देखने में है कि आखिर क्या है ये, किसका है ये, है किसका। मेरा। सही में। हाँ, मेरा खत्म हो गया था क्रीम वो वाला। है दीवी का भी खत्म हो गया था। ऋषि बताइए ये क्रीम है किसका। मेरा मेरा है। मेरा है। मेरा क्या खा रहे। खरबूजे के बीज। ओके तो अगर ये व्लॉग दीदी देखेंगी तो उनको जो है बहुत बुरा लगेगा। दीदी को बोलना इतना। आज उनका फोन आया था कि खरबूज का बीज रखना मेरे लिए। तो और दीदी आप देख लो ये खा रहे खरबूजे के बीज। और ये दोनों ने जो करा वो नहीं बताओगी क्या क्या। हाँ और इन दोनों ने आपके खरबूजे के बीजों को बिल्कुल जैसे रास्ते में रोड पे चूना डाला जाता है ना वैसे ही इन खरबूजे के बीज का डाला गया। देखिए गाइस यहाँ पे क्या हो रहा, ये सेवा हो रही दादी की। इतना गर्म पानी है लेकिन हमारे बच्चे देखो दादी की सेवा अभी से इस एज में एक एक 3 इयर्स की है एक 5 इयर्स की। ऐसी सेवा कहीं देखी है आप लोगों ने। कर रही हो मम्मी आप ये। अरे पैरों की शिकायत कर रही तो क्या हो गया। दर्द हो इतना डांस क्यों किया फिर शादी में। अरे डांस थोड़ी करा ऊपर नीचे जाने में थक में। अच्छा ऊपर जाने गाड़ी में पैर लटका लटका के थकी। गाड़ी में पीछे लेट के गई वैसे पीछे वाली सीट में कोई नहीं था अकेले थी मैं। मैं उसमें लेट के भी गई फिर भी मेरे पैर सूज गए। ओहो कोई नहीं पोतिया इतना लगी हुई। तो गाइस देखो अभी मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ। तो मम्मी लाई है घर से खजाना। और क्या खजाना लाई है ये मैं आपको दिखाऊंगी। देखो दो दो देखो इतने भारी है। देखो क्या क्या इसके अंदर निकालते हैं। देखो गांव का क्या क्या है हम भी देखें जरा क्या क्या लेकर आए मम्मी। ये देखो ये लहसुन गांव का लहसुन। देखो
ये देखो ये भी लहसुन ही है। अच्छा हाँ ये भी लहसुन है भाई। एक शोभा ने दिया, एक अमूल्य ने दिया, एक पार्वती ने दिया। देखो बीच में हमारे बच्चे। नो 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 चलाओ मत, प्लीज प्लीज चलाओ मत। मुझे मत खाओ, ये देखो इसमें। अरे फिर लहसुन सबने अलग अलग दिया होगा। हमारी जो है फैमिली है बहुत बड़ी। तो ये देखो ये भी लहसुन है। तो ये मतलब कुटुर ही कुटुर लेकर आई है मम्मी। तो कितने सारे है ना अभी मैंने दिखाया आपको। और इस थैले में क्या है ये? कुछ तो है इसमें। तिल, ओके देखो तिल है। हाँ ये देखो तिल। वाह, और हम बनाते हैं तिल की चटनी इसकी, और जो कि बहुत टेस्टी होती है तिल की चटनी। कभी दिखाएंगे वो भी बना के। तो क्या है ये? है सरसों, है ना? पीली सरसों। पीली सरसों भी बोलते हैं इसको। राड़ है, पीला राड़। राड़, पीला राड़ भी बोल रहे हैं पापा कुछ। राड़ पीली सरसों को। देखो सारी पहाड़ की चीजें आ गई है। तो मेथी, मेथी का कुटर खोली। ये देखो मेथी, और हम मेथी की सब्जी भी बना लेते हैं, और मेथी की चटनी भी बनती है, वो भी दिखाएंगे आप। ये भी पीली सरसों। बच्चों रुक जाओ, इधर उधर मत चलो। तो जो है यही था इसमें। ये आए हमारे गांव से, तो गांव वाले जो भी देख रहे हैं उनको बहुत सारा थैंक यू। इतना सारा आपने सामान भेजा हमारे लिए। ये देखो दिशा, दिखाओ दिशा ये क्या कर रखा है बेटा? किसने किया? दीवी ने बनाया। इतना अच्छा डिजाइन तो आता ही नहीं उसको बनाना। ये देखो क्या बना दिया है। हम लोग यहाँ अलग काम में लगे हैं, इनके अलग काम हो रखे हैं। देखो तो गाइज अभी मैं डिनर विनर करके बस रूम पे अभी आई हूँ। मतलब काफ़ी लेट होता है हमारा, तो हमेशा लेट ही होता है वैसे भी ना, डिनर विनर और फिर सोना काफ़ी लेट होता है। पर बच्चे भी अभी तक नहीं सोए हैं, और दीवू तो मेरे पास है ही नहीं। देखो दीवू जा रखी ही अपनी बड़ी मम्मी के पास दूसरे रूम में दिशु दीदी के साथ। देखते हैं क्या कर रही, बुला के लाती हूँ। ठीक है दीवी, क्या कर रही है यहाँ पे दीवी? चलो दिशी काम का करता है बाबू मेरे को। दिशी क्या कर रही? दिशी काम का करता है। या, 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 ठीक है चल रहा है यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम। सोना नहीं अब, चलो दीवी। मैं लेकर आ गई हूँ दीवी को, और साथ में दिशी भी आ गई है। तो इन दोनों का ऐसा चलता है भाई, एक जना नहीं आता, ये दोनों जने साथ में चलते। चलो मैं इसको नाइट सूट पहनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। दिशी गई उधर भाभी के साथ चली गई है अब, और जो है काफ़ी टाइम हो गया है, और दीवी ने पहन लिया है नाइट सूट। ये देखो उसकी चल रही पापा से मस्ती। दीवी, दिशी दीदी कहाँ चली गई? सोने चली गई। तुम्हें पता है पापा ने मुझे मारा था? पता है मम्मी ने? हाँ। और पापा ने और मारा? मुझे मारा था मॉर्निंग में, तुमने पापा को कुछ भी नहीं बोला। ये मम्मा पता है बहुत रोई थी। मैं जिस शिकायत में पापा की शिकायत करी तुमसे। बहुत शैतानी कर रही थी मम्मा, आपको मारूं? मैं रोई थी बहुत ज्यादा। थैंक यू। पर पापा को ऐसे मारते हैं? ये देखो क्या करता। मम्मा तुलसी वाटर दो। तुलसी वाटर कौन लाएगा? मम्मा है। तुम मम्मा के साइड नहीं हो? कौन लाएगा फिर बता? ओ पापा। हाँ। देखो पापा को नींद आ गई। आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। कल मिलूंगी। बाय बाय। बाय बाय। मुझे अभी नींद आ रही है। मुझे नींद आई है। ऐसे कैसे आती नींद? खर्राटे भी आ गए।
मैम ऐसे हेड डाउन करने को बोलती है मैम, कैसे बोलती है? हाँ हेड डाउन, हेड डाउन। फिर आप कैसे करती हो, ऐसे कर लेती हो? तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पर एंड करेंगे और मिलेंगे अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तो अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना कि आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो चलिए बाय बाय। रियो क्या कर रही हो? ये देखो। ओह नो।